ओके चलो स्टार्ट करते हैं विद फोर्स फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन। फोर्स फ्रिक्शन एंड सर्कुलर के अंदर आप बुकलेट ओपन कर सकते हो। इसमें मैंने क्या करवाया था कि फोर्स पुश या पुल है जो बॉडी को डिस्प्लेस करवाएगा। दूसरा पॉइंट था न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट बॉडी अगर रेस्ट पे तो रेस्ट भी पड़ी रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। और इसमें जो सेकेंड पॉइंट है वो है इनर्शिया। इनर्शिया इन एबिलिटी है किसी बॉडी की कि बॉडी अपनी जो स्टेट है वो खुद चेंज नहीं कर सकती। इनर्शिया ऑफ रेस्ट विच स्टेट्स दैट कि बॉडी जो है वो रेस्ट पे ही पड़ी रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगाएं वो मूव नहीं करेगी। इनर्शिया ऑफ मोशन बॉडी मोशन में रहेगी जब तक फोर्स ना लगाएं वो रुकेगी नहीं। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कि बॉडी खुद से अपनी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं कर पाएगी। तो ऐसा हमने किया था इनर्शिया की डेफिनेशन। हालांकि डेफिनेशन बहुत कम आती है तो इसलिए मेन चीज पे आते हैं। तो सबसे पहले इसमें मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, अमाउंट ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द बॉडी दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट कि अगर कोई बॉडी है इसके ऊपर आपने एफ फोर्स लगाई और इसकी वेलोसिटी यू थी और थोड़ी देर में वेलोसिटी कितनी हो गई, वी हो गई। तो यू से अगर वी वेलोसिटी हो गई तो आपने ऑब्वियसली इसके ऊपर क्या लगाई, कोई फोर्स लगाई। तो आपने कितनी फोर्स लगाई दैट इज ऑलवेज प्रपोर्शनल टू चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज एफ इज प्रपोर्शनल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, टोटल चेंज अपॉन टोटल चेंज। या फिर अगर लिमिट लगाएंगे, स्मॉल वैल्यू लेंगे तो एफ इज प्रपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी। तो ऐसा हमने फोर्स का फॉर्मूला किया। इसके अंदर एक कॉन्स्टेंट के आएगा जिसकी वैल्यू वन होती है, तो एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी आपके पास फोर्स की वैल्यू आपको देगी। यहां से एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी में P को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, मास बाहर आ गया, dv by dt, dv by dt क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये रिजल्ट आपको ऑलरेडी मालूम है। जो नेक्स्ट है इसमें, जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें क्या गिवन है, इंपल्स। इंपल्स क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम, ये हमने किया हुआ है। और इंपल्स मोमेंटम थ्योरम इंपॉर्टेंट, आपने देखा भी होगा स्कूल्स के अंदर एनसीईआरटी में इंपल्स मोमेंटम थ्योरम आई भी थी, जो ये स्टेट करती है कि एफ जो इंपल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो इसके लिए जो एफ है वो डी पी बाई डी टी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी है। तो एफ डी टी का मतलब स्मॉल इंपल्स और स्मॉल टाइम में जो इंपल्स इसमें जनरेट हुई और इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। इसे अगर इंटीग्रेट करें कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेके टी तक और दूसरा पी वन से लेके T2 तक, तो अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो एफ डी टी की जो इंटीग्रेशन है यहां से 1 dp क्या आएगा, p आ जाएगा, कहां से कहां तक, p1 से लेके p2 तक। और फोर्स इनटू लेफ्ट साइड पर क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू टाइम आ जाएगा, 1 dt की इंटीग्रेशन टाइम t होती है और लिमिट पुट करेंगे p में तो p2 माइनस p1। तो चेंज इन मोमेंटम इज फोर्स इनटू टाइम, एंड फोर्स इनटू टाइम को हम क्या लिख सकते हैं इसमें, इंपल्स। तो इंपल्स इज इक्वल टू टोटल चेंज इन मोमेंटम, दिस इज नोन एज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। जाएगी प्रूफ ये, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स, वो कैच करने वाला एग्जांपल जो होता है, कोई क्रिकेटर है वो बॉल को पीछे की तरफ हाथ करेगा, क्यों, क्योंकि जो इंपल्स होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू टाइम। तो अगर मान लो जो आपका जो टाइम कैच करने का बढ़ा देंगे तो उतनी ही कम फोर्स लगानी पड़ेगी, बिकॉज चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, कॉन्स्टेंट, इंपल्स कॉन्स्टेंट होती है। तो ये सारे एग्जांपल है, सैंड के अंदर जंप करोगे तो चोट कम लगेगी बिकॉज टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ जाता है तो फोर्स उतनी ही ज्यादा कम हो जाती है। शॉकर क्यों लगे होते हैं, टाइम ऑफ इंपैक्ट झटके का जर्क का बढ़ जाता है तो फोर्स उतनी ज्यादा कम हो जाती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो इसमें। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर ये एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इसके अंदर ये सब एग्जाम्पल आपको आते हैं, ये आएगा टू शो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन। तो जिसके अंदर M1, M2 दो बॉल्स हैं और इनकी आपस में क्या हो जाती है, कोलिजन हो जाती है। ड्यूरिंग कोलिजन ये एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं। इसने M1 ने M2 के ऊपर फोर्स लगाई F21 वेक्टर और M2 ने M1 के ऊपर फोर्स लगाई F12 वेक्टर। तो F12 वेक्टर, F21 वेक्टर। तो यहाँ से इस केस में हमें क्या प्रूव करना है, न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। रियल लॉ ऑफ मोशन के अंदर हम ये प्रूव करेंगे कि सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ को बनाया जा सकता है, सेकेंड लॉ से थर्ड लॉ को भी बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले केस नंबर 1, फर्स्ट लॉ इज कंटेन्ड इन
सेकेंड लॉ। तो फोर्स क्या होती है, नेट मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, एफ इज इक्वल टू जीरो, मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक, और एक्सेलरेशन जीरो के दो मतलब होते हैं, या तो बॉडी किस पे पड़ी हुई है एट रेस्ट, या फिर किस में यूनिफॉर्म मोशन। तो दोनों केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही बोलता है कि अगर आप एफ नहीं अप्लाई करोगे, फोर्स एक्सटर्नल जीरो होगी, तो या तो बॉडी किस पे पड़ी हुई है रेस्ट पे, या बॉडी किस पे पड़ी हुई है इन स्टेट ऑफ मोशन पे, यूनिफॉर्म मोशन में। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इस तरीके से आप इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ इज कंटेन्ड इन सेकेंड लॉ के अंदर बेसिकली क्या होगा कि इसमें जो फोर्स है वो डीपी बाई डीटी होता है, और जो सेकेंड बॉडी थी जब कोलिजन हुई थी, कोलिजन इज एन आइसोलेटेड सिस्टम जिसका टोटल मोमेंटम हमेशा क्या माना जाता है, कॉन्स्टेंट। तो जो फर्स्ट केस है उसमें फोर्स क्या है, एफ टू वन वैक्टर डी बाई डी टी ऑफ पी टू वैक्टर। तो सेकेंड बॉल के लिए पी टू मोमेंटम है, एफ टू वन फोर्स है, फर्स्ट बॉल के लिए पी वन फोर्स है, एफ वन टू, एफ वन टू फोर्स है, पी वन मोमेंटम है। तो दोनों चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से आपने क्या निकाल ली, इसमें फोर्स निकाल ली। इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, ऐड करेंगे एफ वन टू वैक्टर एफ टू वन वैक्टर, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, डी बाई डी टी ऑफ पी वन वैक्टर प्लस पी टू वैक्टर। तो इसमें टोटल P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर किसके इक्वल है, P वेक्टर, एंड दिस इज नोन एज द टोटल मोमेंटम। तो टोटल मोमेंटम क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम का क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होगी, जीरो। तो राइट हैंड टर्म क्या हो जाएगी इसमें, जीरो, dv by dt जीरो, और जीरो होगा तो यू कैन प्रूव F12 plus F21 is equal to zero, F12 vector is minus F21 vector, that is action and reaction are equal and opposite। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक, तो न्यूटन का अगर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, रियल लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अगर प्रूव करने को आता है कि दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, तो इस केस में आप पहले फर्स्ट लॉ को प्रूव करोगे केस नंबर वन, फिर थर्ड लॉ को प्रूव करोगे केस नंबर टू, तो प्रूव हो जाएगा। ठीक, इसके अंदर लिफ्ट के केस हमने किए थे कुछ, कि अगर ये लिफ्ट है और अगर एक मैन इसके अंदर खड़ा हुआ है, तो उस केस में क्या होता है, इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है किसके इक्वल होता है, एम जी, ये केस किया था। दूसरा केस किया था अगर एक लिफ्ट है और ये लेट अस सपोज क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है और इसका वेट कितना है, एम जी। तो मैंने बताया था कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ क्या कर रही है, एक्सेलरेट कर रही है विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेट कर रही है, तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। या कोई पर्सन खड़ा हुआ है एम मास का, तो आर माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, वेयर आर इज नॉर्मल रिएक्शन। तो आर का फॉर्मूला या एन का फॉर्मूला क्या आता था, एम जी प्लस एम ए, एम इंटू जी प्लस एक शॉर्टकट बनाया था। ठीक, उसी तरीके से अगर ये लिफ्ट ऊपर ना जाते हुए कहां आ रही है, नीचे एक्सेलरेट कर रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन मैन का ऊपर होगा, वेट नीचे होगा, और अल्टीमेटली ये कहां आ रही है, नीचे आ रही है विद ए, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज एम ए। तो यहां से नॉर्मल रिएक्शन इज एम जी माइनस एम ए। तो ऐसे ये नेट फोर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, स्पेशली लिफ्ट वाले केसेस जो इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये सारे केस हमने अभी जो है डिस्कस किए, तीन के तीन केस। तो कौन सी इक्वेशन किस केस में लगेगी, ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? नेक्स्ट जो है इसमें, ये सब इसकी एक्सप्लेनेशन है, करने की जरूरत नहीं है। कनेक्टेड मोशन हमने किया था, कनेक्टेड मोशन में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर ये पुली है, पुली के साथ कुछ मासेस अटैच्ड हैं, जैसे कि इसमें ये केस है, ये पुली है, पुली के साथ दो ब्लॉक्स अटैच्ड हैं, ए एक्सेलरेशन के साथ एक ब्लॉक नीचे जा रहा है, एक ऊपर आ रहा है, और एक का मास बड़ा एम है, एक का मास छोटा एम है। तो इक्वेशन अगर बनेगी इसमें, तो फर्स्ट इक्वेशन इसमें क्या बनेगी, इसमें बनेगी कैपिटल एम जी माइनस टी इज कैपिटल एम ए, और ये ऊपर जा रहा है तो टी माइनस स्मॉल एम जी इज एम ए। तो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके टी एंड ए कैन बी कैलकुलेटेड, ऐसा हमने किया था। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, पर मेरे ख्याल समझ में आ रहा है कैसे। अब सपोज करो यही जो है एग्जाम्पल है इसमें, जैसे 2 kg है और ये 4 kg है, तो 4 kg का वेट कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। तो 4g माइनस टी इज 4a और t माइनस 2g इज 2a। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो t एंड a कैन बी कैलकुलेटेड, तो यहाँ से आंसर आएगा। और बिल्कुल वैसे एक और एग्जांपल ये वाला किया था, जिसके अंदर जो एक ब्लॉक है, दो ब्लॉक्स हैं, टेंशन है, ब्लॉक को यहाँ लेके आ रहे हैं, तो इसमें 500 न्यूटन की फोर्स है, तो 500 माइनस टी इज 20 इंटू ए, और सेकेंड इक्वेशन सेकेंड बॉडी के लिए बनेगी
जो कि क्या बनेगी, टी इज इक्वल टू 10 इंटू ए। तो इनको साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप अपना आंसर निकालेंगे। ठीक, याद है फ्री बॉडी डायग्राम्स ऐसे बनते थे। ठीक, और ऐसी अगर सिस्टम में तीन ब्लॉक्स हो, तो हमने ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था, तीन ब्लॉक्स के केस में अगर ये 100 न्यूटन की फोर्स है, ये 10 kg, 8 kg, 6 kg, तो ये आगे जा रही है, तो 100 माइनस T1 इज 10 इंटू ए। सेकेंड इक्वेशन बोलो क्या बनेगी इसमें, सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी इसके लिए बनेगी, दैट इज T1 माइनस T2 इज 8 इंटू ए। और थर्ड इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी इसके लिए, दैट इज T2 इज इक्वल टू 6 इंटू ए। तो इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा। ठीक, तो नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, या जाया करता है कि स्टेट एंड प्रूव या स्टेट प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो F इज इक्वल टू dP/dt, इफ F इज इक्वल टू 0, नो एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड, तो हम बोल सकते हैं कि P इसका क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। बस यही पता होना चाहिए और कुछ नहीं है, कि इसके अंदर F अगर 0 होगा तो P इसमें क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो सभी पार्टिकल जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकते हैं सिस्टम में, उन सभी पार्टिकल्स का नेट मोमेंटम जो होगा पूरे सिस्टम का, वो कॉन्स्टेंट होगा। कनेक्टेड मोशन के ये वाला एग्जांपल तो हमने ले लिया, इसको करने की जरूरत नहीं है आपको। मैंने इक्वेशन बना के दिखाई ये वाली, दो ब्लॉक्स वाली। जैसे ये केस है, तो यहाँ पर कैपिटल M मास लगा हुआ है, वहाँ छोटा मास लगा हुआ है, तो हम ऐसे कर सकते हैं इसमें, इसके अंदर जो इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन इसके लिए बनेगी T इज इक्वल टू स्मॉल m इनटू a, और नेक्स्ट जो इक्वेशन बनेगी वो इसके लिए बनेगी कितनी, कैपिटल एम जी माइनस टी इज कैपिटल m इनटू a। दो इक्वेशंस हैं, इन साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, टी एंड ए कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, ऐसा हमने किया। फिर इंक्लाइन प्लेन किया था, इंक्लाइन प्लेन में एंगल थीटा था, थीटा एंगल, ये वेट mg, ज्योमेट्री सीखी थी, ये थीटा एंड थीटा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर हमने ये एक यहाँ पर एक जो है ये जो एंगल निकाला वो 90 माइनस थीटा निकाला, क्योंकि ये और ये लाइंस आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ से ये और ये भी 90 डिग्री पे, तो ये कितना, थीटा। अब आपको प्रैक्टिस हो चुकी है कि इसमें थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो हम काफ़ी बार यूज़ भी करते आए हैं इसमें। तो जैसे वेट है, वेट इज अ वेक्टर, वेट के दो कंपोनेंट्स होंगे, थीटा के साथ कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर एम जी साइन थीटा, ऐसा हमने किया था। ठीक, और ये नॉर्मल रिएक्शन आर होगा जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। सो इसमें एक्सेलेरेशन कैसे निकलती है, एम जी के दो कॉम्पोनेंट्स लेने हैं, एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन आर, और इस केस में मान लो यहाँ पर एक पुली लगी हुई है और वो एक छोटा ब्लॉक लगा हुआ है, तो यहाँ पर टेंशन टी एन टी हो जाएगी, सच दैट ये सिस्टम ए एक्सेलेरेशन के साथ इधर मूव कर रहा है, तो ये इधर मूव कर रहा है विद ए, ये इधर नीचे आ रहा है विद ए, तो कुछ इस तरीके से, एंड सच दैट इसके अंदर ये स्मॉल एम जी, तो स्मॉल एम जी माइनस टी, स्मॉल एम जी माइनस टी स्मॉल एम इंटू ए, और इसके लिए टी माइनस कैपिटल एम जी साइन थीटा, जो सेकेंड इक्वेशन है किसके लिए बनेगी, इसके लिए कितनी बनेगी, कैपिटल टी माइनस एम जी साइन थीटा इज कैपिटल एम इंटू ए। तो दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, टी एंड ए कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, नेक्स्ट जो है ये सेम केस है, ये नहीं करना, ये भी नहीं करना, सेम केस है, सेम एक जैसे क्वेश्चन है इसमें। जैसे इसके अंदर दिखाई दे रहा है आपको दो ब्लॉक्स हैं, इंक्लाइन प्लेन है, एंगल अल्फा एंगल बीटा, एम जी के दो कंपोनेंट्स हैं, एम जी कॉस एम जी साइन, एम जी के बड़े एम जी के दो कंपोनेंट्स हैं, एम जी कॉस एम जी साइन, और टेंशन टी एंड टी। अब इसके अंदर फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी इसमें, पहली इक्वेशन मान लो सिस्टम इधर मूव कर रहा है विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ ए, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी साइन बीटा माइनस टी इज एम ए, और सेकेंड इक्वेशन किसके लिए बनेगी, इसके लिए बनेगी टी माइनस एम जी साइन अल्फा इज m into a। तो इन दोनों equations को simultaneously solve करके आपका answer आएगा इसमें। ठीक है यहाँ तक, तो इसमें जो जो next case है हमने ये किया था connected जो bodies in contact वाला, कि दो bodies हैं contact में हैं और capital F इसमें force है, तो इसमें एक mass बड़ा m है, एक mass छोटा m है और ax के साथ move कर रहे हैं। contact force में discuss किया था, बड़ा m छोटे m के ऊपर कोई force लगाएगा, तो छोटा m बड़े m के ऊपर एक force लगाएगा, तो ऐसा कुछ केस किया था, और लगेगी जो फोर्स वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगी। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, फर्स्ट बॉडी में एक फोर्स एफ है, लेफ्ट साइड से टी है, तो एफ माइनस टी इज एम ए, ये इक्वेशन बनेगी। और जो सेकेंड बॉडी है उसमें कितनी फोर्स लगेगी, टी, टी इज इक्वल टू एम इंटू ए, सेकेंड इक्वेशन। इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए एंड टी कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट जो है
ये करने की जरूरत नहीं है, इसकी जैसे तीन ब्लॉक्स हैं, तीन ब्लॉक्स में मासेस कितने हैं, m1 m2 एंड m3, और फोर्स कितनी लग रही है इसमें, f, और एक्सेलरेशन सिस्टम की a, तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे f1 इक्वल एंड ऑपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे f2 इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है यहां तक। तो जो फर्स्ट ब्लॉक है m1, उसका फ्री बॉडी डायग्राम में लेफ्ट से फोर्स लगेगी f, राइट से फोर्स लगेगी f1, और इसकी इक्वेशन बनेगी f - f1 इज मास इनटू एक्सेलरेशन। जो सेकेंड ब्लॉक है लेफ्ट की तरफ से, इस पे लगेगी f1, ये t1 नहीं, सॉरी f1 है, दिस शुड बी f1 और ये f2, तो f1 - f2 इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये देखो f1 है ये, तो इसमें जो लास्ट इक्वेशन है f2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इंटरनल फोर्सेस कैसे लगती आ रही है, ये सारा कुछ हमने किया था इसमें, तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। जैसे स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम्स हैं, दो स्ट्रिंग्स हैं, फोर्स F है, तो दो स्ट्रिंग्स में टेंशन की वैल्यू क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, T1 T2 T2, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, T1 = m3 into a, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, T2 - T1 = m2 into a, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी लास्ट की, F - T2 = m1 into a। तो बस बड़ी में से छोटी फोर्स माइनस करते जाओ, इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आपके पास तीन इक्वेशंस बनेंगी इसमें। तो इसमें आप देख भी सकते हो, इसमें T1 = m3a, दिस माइनस दिस इज m2a, एंड दिस माइनस दिस इज m1a, तो यहां से सॉल्व करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट जो है, इसमें तीन ब्लॉक्स बताया था मैंने, अगर तीन ब्लॉक्स हैं तो टेंशन यहां पर TNT, पर यहां टेंशन T1, तो इसका वेट कितना है, m3g m2g और m1g, तो सिस्टम ए के साथ ऊपर जा रहा है। तो यहां फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें फर्स्ट इक्वेशन बनेगी इसमें T - m1g इज ma, सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी वो इसके लिए और इनके लिए इकट्ठी बनेगी, मतलब इसके फ्री बॉडी डायग्राम में ऊपर भी फोर्स है, नीचे दो फोर्सेस हैं, और ये नीचे आ रहा है, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मतलब डाउनवर्ड फोर्स का सम माइनस ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऐसी नेक्स्ट है m3g - t1 is m3a, तो ऐसे करके हमने तीन इक्वेशंस बनाई थी। तीन इक्वेशंस को अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, a भी आ जाएगा और t भी आ जाएगा, ठीक है यहां तक। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे, आपको याद और आ रहे होंगे फोर्सेस के ऊपर ऐसे कुछ क्वेश्चंस करते तो बहुत ज्यादा थे, बट ये बनी हुई हमारे NCERT की, कि इससे बहुत जल्दी कोर्स को आप देख सकते हो इसमें।
देखो